हम नाराबाजी करते थे। अच्छा, वहाँ पे नहीं करते थे वो मना करते थे, हम नहीं मना होते थे। क्या नारे लगाते थे? हम नारे तकबीर से शुरू करते थे और इमरान तेरे जान निसार बार बार यही उनके कानों में डालते थे। हाँ, इससे तो वो बड़े तंग होते होंगे। बिल्कुल तंग होते थे। और फिर आखिर में वो यहाँ तक आ गए थे कि वो कहते थे यार हम इनको तकलीफ देते हैं तो ये एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये और नारेबाजी करते हैं, ये और पुरजोश होते हैं। कुछ लड़के हमारे साथ ऐसे थे जो स्टूडेंट्स थे, वो बेचारे बड़े मायूस। अभी फिर ऑपरेशन होगा तो हम फिर लड़ेंगे, लेकिन जो पिछला ऑपरेशन हुआ है उसमें जो हमारी कमजोरियां थी वो दूर होनी चाहिए, जो हमारे पास वसाइल नहीं थे वो हमारे पास होने चाहिए। आप बताइएगा, आप भी जेल में गए हैं और कहाँ से आपका ताल्लुक है और थोड़ा जेल बीती बताइएगा। मेरा ताल्लुक जिला चारसदा से है। अच्छा, और ये जैसे साथियों से आप बात करें ये सारे टाइगर फोर्स के लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइगर फोर्स के लोग लड़े हैं, उन्हीं में से जिनको उठाया है उठाया है, बाकी जो लोग थे यानी जेलें तो उन्होंने भर दी थी, किसी को दुकान से उठाया, किसी को कहीं से, किसी को कहीं से। तो बस अब बेती यही थी कि उन्होंने हमारे ऊपर यानी जैसे कोई पेशावर मुजरिम होते हैं उस तरह हमें टॉर्चर करने की कोशिश की, यानी मारा पीटा नहीं, वो ना वो हमें मार पीट सकते थे। यानी हम हमारी तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा थी और सारे बड़े पुरजोश थे, हम नाराबाजी करते थे। अच्छा, वहाँ पे करते थे वो मना करते थे, हम नहीं मना होते थे। क्या नारे लगाते थे? हम नारे तकबीर से शुरू करते थे और इमरान तेरे जान निसार बार बार यही उनके कानों में डालते थे। हाँ, इससे तो वो बड़े तंग होते होंगे। बिल्कुल तंग होते थे। और फिर आखिर में वो यहाँ तक आ गए थे कि वो कहते थे यार हम इनको तकलीफ देते हैं तो ये एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये और नारेबाजी करते हैं, ये और पुरजोश होते हैं। फिर जी कुछ लड़के हमारे साथ ऐसे थे जो स्टूडेंट्स थे। अच्छा, जो कहीं अपनी यूनिवर्सिटी में कोई हॉस्टल में जा रहा था, कोई एक किस्त इकट्ठे करने के लिए रिकवरी था, इंस्पेक्टर था वो, तो उन लोगों पर हमें हैरत हो रही थी। वो बेचारे बड़े मायूस थे कि हमारा तो यानी हम नहीं थे, लेकिन वो जब हमारे साथ रहे उन्होंने देखा कि यार ये इतने डाढ़े हैं, क्योंकि ये उनको समझ आ गई कि ये तहरीक के साथ हैं, ये एक इनकलाब के, तो वो फिर स्टूडेंट्स थे उनको खुद भी समझ आ गई कि हमें भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पीडीएम के भी लोग इन्होंने दो चार गिरफ्तार किए हैं वो भी हमारे पीटीआई में शामिल हो गए। अच्छा, वो भी आज टाइगर फोर्स का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ, तो पहली दफ़ा जब बंदा थाने में जाता है जेल में पुलिस वालों को देखता है अंदर का माहौल थोड़ा सा बंदा घबरा ही जाता है। आप कौन सा कोई बहुत दफ़ा जेल जा चुके हैं, पहली दफ़ा जाके बंदे को वालदैन का ख्याल आता है, बीवी बच्चों का, घर वालों का, तो आपको कोई ख्याल नहीं आया? वालदैन का तो ख्याल नहीं आया बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि वालदैन को तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इजाज़त लेकर आए थे। अच्छा, जो बच्चों का था, बच्चों की सिर्फ ये फिक्र थी कि पता नहीं उनको खबर हो गई होगी कि नहीं, पता नहीं उनका क्या हाल होगा, किसी ने पूछा होगा किसी ने नहीं पूछा होगा। यानी हम लोग मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हम कमाते हैं तो घर लेके जाते हैं, घर चलाते हैं। तो 18 दिन जब आपसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता, जब आपके पास कोई मुलाकात के लिए नहीं आ सकता, तो ये फिक्र थी। लेकिन एक छोटी सी बात मेरे जहन में जो मुझे तसल्ली देती थी और जो मैं समझता था कि ये मेरी ट्रेनिंग होगी, अगर इसका रिज़ल्ट पे मैं फैसले करूँगा। मैं जब निकला था तो मैं ये सोच रहा था कि सूरतुल हुजरात में अल्लाह फरमाते हैं कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस नीयत से निकलते हैं तो अपने पिछलों वालों को की परेशानी नहीं रखनी, उसकी फिक्र नहीं करनी, वो अल्लाह पे छोड़ दो। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं जाऊंगा वापस घर, अगर मेरा घर बिकर चुका होगा, अगर मेरी बेगम घर चली गई होगी, मेरे बच्चे स्कूल से यानी रह गए होंगे, तो इसका मतलब होगा मुझे ये सबक होगा मेरे लिए कि नहीं पहले अपने बच्चे, अच्छा फिर तहरीक। अच्छा, लेकिन अगर मैं घर जाऊँ और मेरा घर मुझे हरा भरा मिले, किसी चीज़ की कमी मुझे ना मिले, तो इसका मतलब है कि बच्चे नहीं, पहले तहरीक उसके बाद बच्चे। अच्छा, तो जब मैं घर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर हरा भरा था। अच्छा, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं थी और वो फख्र कर रहे थे कि हम एक बहादुर बाप के बच्चे हैं कि जो हक के साथ लड़ रहा है। ठीक है, तो मैं अब मेरी जो मेरा ईमान है वो और मजबूत हो गया है, मेरा यकीन और मजबूत हो गया है कि जब भी इस तरह के हालात आते हैं तो बच्चों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए। किसने ख्याल रखा बच्चों का? मेरे जब दो दिन हमने थाने में गुजारे तो दो दिन का तो उनके पास जो भी सर्कल था वो था, तीसरे दिन मेरे भाई चारसद्दा से आ गए थे, तो मतलब मुझे फिर तसल्ली थी वो कोई फिर यानी जब भाई आ गया है तो फिर टेंशन ख़त्म हो गई। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो आज अगर हमारी खान साहब से मुलाकात होनी है, आज होनी है या कल होनी है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है
ये भी नहीं पता, हो सकता है ना भी हो, क्योंकि कुछ लोग बीच में रुकावटें भी हैं, ठीक है ना। हमारी 24 लोगों की मुलाकातें नहीं हुई अभी तक। हम चाहते हैं कि मुलाकात ना भी हो, तो खान साहब को ये रिक्वेस्ट है कि हम तो लड़ेंगे ना, अभी फिर ऑपरेशन होगा तो हम फिर लड़ेंगे, लेकिन जो पिछला ऑपरेशन हुआ है उसमें जो हमारी कमजोरियां थी वो दूर होनी चाहिए, जो हमारे पास वसाइल नहीं थे वो हमारे पास होने चाहिए, वो टूल्स जो हमें गैस से बचाए, जो हमें उनके शेल से बचाए, जिससे हम शेल उठा के वापस फेंक सकें, हमारे पास जो हथियार यानी इस तरह के हैं डिफेंसिव, वो होनी चाहिए। फिर जो जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनका फॉलो अप तेज़ी के साथ होना चाहिए। अच्छा। उनकी फैमिलीज़ के साथ फौरी तौर पर रबते होने चाहिए उनको, ये नहीं कि आप बैठ गए कि हाँ भाई हम जानने सार हैं, लेकिन हमें कूड़ा समझ के ना फेंका जाए। तो आपको हम कूड़ा उन्होंने नहीं 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 नहीं, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ऐसा हो कि एक मैनेजमेंट हो, मुनज़्ज़म सिस्टम हो। यहाँ पे 100 200 500 लोग हैं मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह, वो लड़ने वाले हैं लेकिन उनका कमांड नहीं होता। हम टाइगर फोर्स के लोग हैं, ज़्यादातर टाइगर फोर्स के लोग ही फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट खान साहब हमारी जिम्मेदारी हमें दें, यहाँ पे हम मैनेजमेंट करें बाहर की, अंदर का जो मामला है वो जाने और उनका काम जाने, पार्लियामेंटेरियन के साथ जो उनका सिलसिला है वो जाने और उनका काम, लेकिन जो बाहर की उनकी सिक्योरिटी का सिस्टम है, यहाँ पे किसी भी किस्म का आदमी आ जाए किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे वो लोग आए जो वेरीफाइड हों। अच्छा। जिनकी तलाशी हो चुकी हो, जिनका पता हो कि हाँ ये कोई पीडीएम का कोई साजिशी टोले का हिस्सा जासूस नहीं है या कोई जासूस नहीं है। और ये चीज़ हम पहले आज़ादी धरना 2014 में कर चुके हैं। अच्छा। ये टाइगर फोर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ठीक है। हम चूँकि इस तहरीक का हिस्सा हैं और इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हम ऑर्गेनाइज्ड हो बाहर, हम ऑर्गेनाइज्ड हो और ये सारे सिस्टम जो फॉलो अप का है वो भी ऑर्गेनाइज हो प्रॉपर। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।